गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनीता कुमारी। आज BSc पार्ट सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है वो है मैक्सवेल का आणविक वेगों के बंटन का नियम, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटीज। इससे पहले हम जानते हैं कि गैस जो है वो अणुओं से मिलकर के बनी होती है। तो सबसे छोटी इकाई गैस की क्या है? अणु है। और अणु गैस में यादृच्छिक गति करते रहते हैं, वो एक स्थिर अवस्था में नहीं रहते हैं, वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो कितने वेग से किस दिशा में कितने अणु जा रहे हैं उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए एक आणविक वेगों का बंटन नियम दिया गया, जिसको कि मैक्सवेल ने दिया और जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटीज, आणविक वेग बंटन नियम, कि किस दिशा में कितने अणु जा रहे हैं उसका मान ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल ने आणविक वेगों का बंटन नियम दिया। और इस नियम में क्या है कि नियत ताप पर कोई गैस है तो नियत ताप पर अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग तथा उन अणुओं की संख्या जिनके वेग निश्चित वेग परास में होते हैं नियत रहते हैं। तो ये नियम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटीज। इस नियम को मैक्सवेल ने देने के लिए कुछ परिकल्पनाएं की, गैस के अणुओं को लेकर के कुछ परिकल्पनाएं की। और वो परिकल्पनाएं क्या क्या हैं? तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये हैं कि गैस के किसी परिमित आयतन में अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, कि कोई फाइनाइट वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम में जो अणुओं की संख्या है वो बहुत अधिक होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? अणु अपने विस्तार की तुलना में वृत्त दूरियों से पृथक्कृत होते हैं। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लेते हैं कि अणुओं का जो साइज है वो इतना है तो वो अपने विस्तार की तुलना में अधिक दूरियों से पृथक्कृत होते हैं। जैसे ये इतना साइज है इसका, तो इन दोनों अणुओं के बीच की जो दूरी होगी वो इस साइज से ज़्यादा होगी। तो अणु अपने विस्तार की तुलना में अधिक दूरियों से पृथक्कृत रहते हैं, यानी कि ये आपस में सतत गति करते रहते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि एक गैस के समस्त अणु समान होते हैं। जो अणु हैं गैस में वो एक जैसे होते हैं तथा उन्हें अति लघु आकार के गोलाकार दृढ़ पिंडों के रूप में माना जा सकता है। अणुओं का जो साइज माना गया वो अति लघु आकार के गोलाकार पिंड के समान माना गया और सभी अणुओं जो है वो एक समान है। ये तीसरी परिकल्पना की गई। चौथी परिकल्पना ये है कि जब अणु टकराते हैं केवल उस अवस्था को छोड़कर वे एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जैसे ये गति कर रहे हैं, ये अणु हैं, ये गति कर रहे हैं, तो ये अणु गति करते हुए जब इससे टकराएंगे उसके अलावा, टकराने के अलावा दूसरी अवस्था में ये एक दूसरे पर कोई भी बल नहीं लगा रहे, ये इस पर कोई बल नहीं लगा रहा, ये इस पर कोई बल नहीं लगा, ये इस पर कोई बल नहीं लगा रहा, जब तक कि ये वो टकराए नहीं। टकराने पर हल्का सा बल लग रहा, तो टकराने की अवस्था को छोड़ करके सभी अवस्थाओं में अणु एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाते हैं। अतः अणु टकरों के मध्य सीधी रेखाओं में गति करते हैं। ये चौथी परिकल्पना मैक्सवेल ने मानी। पांचवी क्या पॉइंट है? पांचवा पॉइंट है कि अणुओं के एक दूसरे से तथा पात्र की दीवारों से संगठित पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि ये इस कंटेनर में रखे हुए गैस हैं, ठीक है, और इसमें ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में यूँ टकरा जाते हैं कभी, और कभी दीवार से टकरा लेंगे। तो यहाँ पर ये है कि इस दीवार से तथा आपस में अणुओं के मध्य जो टक्कर है वो पूर्णतः इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। ये जो टक्कर है वो पूर्णतः परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है,
पूर्ण तो प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब ये होता है कि प्रत्यास्थ टक्कर कौन सी होती है, कि टक्कर से पहले की अणु की ऊर्जा और टक्कर के बाद की अणु की ऊर्जा एक समान रहती है, यानी कि टकराने में अणु की कुछ भी ऊर्जा व्यय नहीं होती है। तो इस तरह से अणु दीवार पर या दूसरे अणु से टकराने में जो टक्कर है वो पूर्णतः क्या है, प्रत्यास्थ है, इलास्टिक कोलिजन है। छठा पॉइंट है कि बाह्य बलों की अनुपस्थिति में अणुओं का संपूर्ण उपलब्ध आयतन में वितरण एक समान होता है, यानी कि किसी अल्पांश आयतन डीवी में अणुओं की जो संख्या है वो ये है डी एन बराबर एन डी वी, यानी जो एन है अणुओं की संख्या है वो उपलब्ध आयतन में डी एन अपॉन डी वी, यानी कि जो संख्या है वो क्या है, एक समान होती है संपूर्ण उपलब्ध आयतन में। यानी डी वी आयतन में देखेंगे तो भी अणुओं की संख्या इतनी है, दूसरे आयतन में देखेंगे तो भी अणुओं की संख्या इतनी है, तो अल्पांश संपूर्ण उपलब्ध आयतन में अणुओं का वितरण एक समान होता है, और डी वी अल्पांश आयतन में अणुओं की जो संख्या है वो ये है, जहाँ पर जो एन है वो एन उस गैस में प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है। सेवन पॉइंट जो बताया हम मैक्सवेल ने परिकल्पना जिसकी की वो ये है कि आणविक वेगों की सब दिशाएं समान रूप से प्रसंभावी होती है तथा उनकी चाल के सर्व संभव मान हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अणु टकरा रहा है, ये जा रहा है टकरा, तो इसकी कोई ना कोई वेग होगा, तो ये है जो अणु है ये इस दिशा में भी जा सकता है, ये इस दिशा में भी जा सकता है, ये इस दिशा में भी जा सकता है, ये इसमें भी, ये इसमें भी, यानी कि इसकी कोई फिक्स दिशा नहीं है इस अणु के वेग की, यानी किसी भी दिशा में जा सकता है, तो अणु के वेग की सब दिशाएं संभव है, यानी आणविक वेगों की सब दिशाएं समान रूप से संभव है, और वो जिस चाल से चलेंगे उस चाल का जो मान है वह भी कोई भी सर्वसंभव मान हो सकता है, कोई फिक्स वैल्यू डिसाइडेड नहीं है, कुछ भी मान हो सकता है उसका, कोई भी पॉसिबल वैल्यू उस चाल की हो सकती है और वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, तो आणविक वेगों की सब दिशाएं समान रूप से प्रसंभाव्य होती हैं। लास्ट एंड फाइनल जो हाइपोथेसिस परिकल्पना जो मैक्सवेल ने दी वो ये है कि टकरों के परिणाम स्वरूप अणुओं की चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, परंतु साम्यावस्था में चालों की किसी निर्दिष्ट परास में अणुओं की संख्या नियत रहती है। इस तरह से ये आठ परिकल्पनाएं जो हैं वो मैक्सवेल ने मानी, और इस आठ परिकल्पनाओं का उपयोग करते हुए उसने मैक्सवेल का आणविक वेगों का बंटन नियम दिया, जिसमें ये बताया गया कि नियत ताप पे अणुओं का वर्गमाध्य मूल वेग तथा अणुओं की संख्या का मान नियत रहता है। तो आज के लिए इतना ही।